गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फिफ्थ का सेकेंड चैप्टर शेप्स एंड एंगल्स। इसमें हम पिछले वीडियो में क्या देखे थे, शेप्स एंड टावर्स, एंगल इन नेम्स, स्लाइड्स सब देखे थे ना। अभी डिग्री क्लॉक भी मैं कल पिछले वीडियो में थोड़ा पढ़ा था कि क्या है। देखो क्या पढ़े थे कि डिग्री क्लॉक, उसको 0 डिग्री से 360 डिग्री तक क्या क्या डिग्रीज है, +45 +45 क्या हमको आंसर आ गए, इतना डिग्री इतना तक हम पढ़े थे। ये पिक्चर देखो, इन द पिक्चर 3 पॉइंट्स ए बी सी आर सोन, ड्रा ए लाइन टू शो फ्रॉम विच पॉइंट किड टू शुड हिट टू गेट द क्वीन। ये क्वीन लेने का, इसको क्या क्वीन को इधर हिट करने का, वो विच पॉइंट, 3 पॉइंट दिया विच पॉइंट। ये देखो एक क्या गेस में मैं बोल रही हूँ, इधर एज ठीक है, इधर से एज में आ गए, सेम एंगल होता है, इधर से हम ऐसे किया फिर इधर हिट किया फिर इधर होगा ना। सो मैं इधर भी कॉर्नर का नियरर पॉइंट क्या है, ये है। सो मैं इधर से ए को ले, अंडरस्टैंड, इधर कॉर्नर में है, इसके लिए मैं कॉर्नर का बाजू पॉइंट इसमें बोल रही हूँ। इफ़ यू वांट यू कैन मेजर द एंगल इन डिग्रीज यूजिंग ए डिग्री क्लॉक, डिग्री क्लॉक में मेजर करना है। ओके मेजर, इधर देखो नीचे, मेजर द एंगल फ्रॉम विच किड टू शुड हिट द स्ट्राइकर ऑन page 30। वो क्वेश्चन आने टाइम में मैं मेजर कर रही हूँ डिग्री क्लॉक में। ओके अभी देखो, अभी ए में एंगल हो रहा है वो याद करना है फर्स्ट, एंड देन एक्टिविटी मेकिंग ए डिग्री क्लॉक, एक डिग्री क्लॉक बनाना है। ये नॉर्मल एक्टिविटी का, कट ए सर्कल आउट ऑफ पेपर, एक पेपर में एक सर्कल शेप बनाना है ठीक है, एक सारे सर्कल शेप में बन रही हूँ। एंड देन फोल्ड इट इन टू हाफ, हाफ फोल्ड कर रहा है मैं, फोल्ड इट वंस अगेन इन टू ए क्वार्टर, इसको दूसरा बार मैं फोल्ड कर रही हूँ क्वार्टर आने के लिए, हाफ का अदर क्वार्टर है ना। एंड देन फोल्ड इट वंस मोर, ये वंस मोर हम फोल्ड करना है, देखो सेम आ रहा है, सेम दिख रहा है ना। अभी देखो, ओपन द पेपर यू विल सी लाइन्स लाइक दिस, ये पेपर को मैं ओपन करना है, देखो लाइन्स, सेम लाइन्स दिख रहा है ना। अभी देखो इसको, नाउ मार्क 0, 45 डिग्री, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री एज शोन, इधर कैसे कर रहा है ऐसे हम भी मार्क करना है, डॉट पॉइंट है, इधर 0 डिग्री है फिर 45 डिग्री, 45 डिग्री इधर, मैं कल पढ़े थे ना इधर 45 डिग्री, एंड देन 90 डिग्री, 90 डिग्री हमको पता है एल सेप होना चाहिए, ये चैप्टर पूरा हम वो पढ़ रहा है एल सेप राइट एंगल। एंड देन 180 डिग्री, ओके। एंड देन पेस्ट इट ऑन ए ओल्ड कार्ड, ओल्ड कार्ड, एक ओल्ड कार्ड में पेस्ट करना है ठीक है। फ्रॉम द सेंटर ड्रा वन हैंड, इधर एक हैंड, कल में पढ़े थे ना क्लॉक में हवर हैंड, मिनट हैंड, सेकेंड हैंड, ऐसे ऐसे एक हैंड बनाना है ठीक है। एंड मेक ए रेड हैंड विथ ए थिक पेपर एंड फिक्स इट टू द सेंटर विथ अ ड्रॉइंग पिन सो दैट इट इज फ्री टू मूव। देखो इधर एक रेड, इधर एक रेड हैंड बनाना है, इधर एक पिन लगाना है, हम नीचे कार्डबोर्ड रख रहा है ना, इधर एक पिन बनाना है, पिन बनती है ये दोनों रोटेट कर सकता है ना, ये अलग अलग कागज में बनती है रोटेट कर सकता है ना। अभी देखो, यूअर डिग्री क्लॉक इज रेडी, अभी हमारा डिग्री क्लॉक रेडी है ओके। एंड देन यूज यूअर डिग्री क्लॉक टू मेजर द राइट एंगल ऑफ यूर पेंसिल बॉक्स, डैश इज द मेजर ऑफ राइट एंगल, राइट एंगल का मेजर क्या, पेंसिल बॉक्स को मेजर करने का बोल रहा है। अभी फोन है, फोन भी पेंसिल बॉक्स जैसे दिख रहा है, जिसको राइट एंगल एल सेप दिख रहा है, राइट एंगल का मेजर क्या है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री इज द मेजर ऑफ राइट एंगल। कैन यू गेस हाउ मेनी डिग्रीज इज द एंगल विच इज हाफ ऑफ ए राइट एंगल, हाफ ऑफ ए राइट एंगल कितना, राइट एंगल हमको पता है राइट एंगल कितना, 90 डिग्री, 1/2 इंटू 90 डिग्री क्या है, 1/2 is 45, 2s are 90 degree, 45 answer. And then 1/3 of your right angle. So 1/3 into 90 degree. 1/3 is 3, 3/3 are 9, 0, 30 degree.
अंड टू टाइम्स अफेयर आईटांग टू टाइम्स ये हाफ मतलब हम डिवाइड किए क्या इंटू किया हाफ का मतलब इंटू किया ये टू टाइम्स इसको 90 डिग्री का टू टाइम्स होना चाहिए सो टू इंटू 90 डिग्री ओके टू इंटू 90 डिग्री क्या 180 डिग्री 180 डिग्री होना चाहिए ठीक है मेजर द एंगल फ्रॉम वेयर किट्टू शुड हिट द स्ट्राइकर ऑन पेज 30 पेज 30 में हम मेजर करना ये कितना होगा अभी प्रोटेक्टर जैसा है मैं उसको हमारा कंपास बॉक्स में होगा ना ये देखो डिग्री क्लॉक मैं डिग्री क्लॉक कल बनती है इसमें हाफ डिग्री क्लॉक जीरो से 180 डिग्री तक का हाफ डिग्री क्लॉक हो रहा है ना ये हम सेंटर आ क्या अंदर इनसाइड मेजर्स हम देखना है अभी देखो मैं इसमें रख रही हूँ रखने का बाद कितना आ रहा है अप्रॉक्सीमेट क्या 30 डिग्री लिखू मैं अप्रॉक्सीमेट ठीक है इधर भी 30 डिग्री इधर भी 30 डिग्री ओके अप्रॉक्सीमेट लिखना है मैं एक्यूरेट नहीं लिखती है एक्यूरेट मतलब सेम करेक्ट लिखना है मैं अप्रॉक्सीमेट लिखती है अंडर एंगल्स इन ये पेपर एरोप्लेन में बनाना इधर चैप्टर में कितना एक्टिविटीज है एनसीईआरटी बुक है ना एक्टिविटीज ज्यादा है सब करना पड़ेगा पोर्शन भी ज़्यादा है इसके लिए एक लेसन इतना दिन जा रहा है लिसन टेक ए स्क्वायर शीट पेपर एक स्क्वायर शीट पेपर हमारा नॉर्मल रेक्टेंगुलर पेपर मिल गए मैं स्क्वायर शीट पेपर लिया कैसे मैं कट किया ठीक है ऊपर थोड़ा कट किया हमको स्क्वायर पेपर मिल गए फोल्ड इट इन हाफ एंड ओपन इट इसको हाफ फोल्ड करना है मैं हाफ फोल्ड किया फिर ओपन करना है ओपन भी किया फोल्ड द कॉर्नर्स टू द सेंटर योर पेपर लुक लाइक दिस देखो ऐसे मैं फोल्ड कर रहा है फोल्ड द ग्रीन ट्रायंगल सच दैट पी टचेस क्यू इसको मैं पी मार्क कर रही हूँ इसको क्यू मार्क कर रही हूँ ऊपर पी नीचे ये पी क्यू को टच करने तक हम ऐसे फोल्ड करना है देखो सेम दिख रहा है फोल्ड द टॉप कॉर्नर्स ऑफ द रेक्टेंगल अलो द डॉटेड लाइन्स इधर देखो इधर कॉर्नर से एक डॉटेड लाइन बनाओ डॉटेड लाइन बनाने के बाद क्या करना है योर पेपर विल लुक लाइक दिस देयर इज अ स्मॉल ट्रायंगल इन द पिक्चर विच इज जस्ट फोल्डेड अप देखो अभी मैं ऐसे किया करने के बाद क्या एक ट्रायंगल दिख रहा है ना एंड देन टर्न इट ओवर एंड फोल्ड इट इन हाफ अलॉन्ग द डॉटेड लाइन ये डॉटेड लाइन है ना उसको हम फोल्ड करना है सॉरी फर्स्ट टर्न इट ओवर एंड फोल्ड इट इन हाफ अलॉन्ग द डॉटेड लाइन टर्न इट ओवर मतलब इसको उल्टा करो अभी एक लाइन दिख रहा है ना उसको फोल्ड करना है फोल्ड किया मैं नाउ टू मेक ए विंग फोल्ड द येलो एज ओवर द रेड एज इसको विंग जैसा करना है टर्न इट एंड डू द सेम ऑन द अदर साइड एज वेल यूर प्लेन इज रेडी टू फ्लाई देखो प्लेन जैसा दिख रहा है ना ऐसे फ्लाई कर सकता है ठीक है हमारा एयरप्लेन इज रेडी ओके एंड देन फाइंड द एंगल्स ऑफ 45 डिग्री एंड 90 डिग्री व्हेन यू ओपन योर प्लेन ये प्लेन को खोलने का बाद 45 डिग्री 90 डिग्री तू अब हम क्या करना है 45 डिग्री 90 डिग्री मेजर करना है हमको पता है एल शेप 90 डिग्री इसका पीछे 45 डिग्री भी आ ओके ये 45 डिग्री का अंडरस्टैंड अभी हो गए एंड देन एंगल विथ योगा एंगल विथ योगा में क्या करना है रघुमत इज डूइंग योगा दीज आर द पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट आसनास ही डज एवरी डे रघुमत क्या कर रहा है योगास कर रहा है ठीक है योगास पता है ना हमको दीज आर द पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट आसनास ही डज योगास में मेनी मोर आसनास है ये डेली इतना डिफरेंट आसनास कर रहा है ठीक है एवरी डे रोज रोज कर रहा है अभी देखो ये आसनास में भी हमको एंगल्स मिल रहा है देखो I say L shape, so right angle, and then, इधर देखो acute angle जैसे दिख रहा है इधर भी देखो acute angle दिख रहा है 30 degree, ये क्या 20 degree होगा 30 degree, हम assume कर रहा है 30 degree होगा ये 20 degree होगा इसको less than ये right angle, okay? एंड देन नेक्स्ट डायग्राम ये देखो बड़ा मोर देन ये राइट एंगल देखो बड़ा एल हो रहा है ना
मोर देन ए राइट एंगल एंड देन ई देखो ई भी मोर देन ए राइट एंगल देखो ओके okay. अभी एग्जाम्पल के लिए मैं कितना बोलूँ 130 डिग्री 90 इधर होगा इधर 100 डिग्री में रख रही हूँ ठीक है एंड देन इधर क्या है ऑब्ट्यूस दिख रहा है 100 डिग्री इधर क्या दिख रहा है एक्यूट दिख रहा है 60 डिग्री में रख रही हूँ इधर एक्यूट भी है क्या लेस देन या राइट एंगल भी है मोर देन या राइट एंगल भी है ठीक है समझ गए ना यूनिट टेस्ट भी आ रहा है ना हम फटाफट पोर्शन फ्रीज करना है जल्दी ओके एस्टिमेट द मेजर ऑफ मेनी एंगल्स एस यू कैन मैट बाय डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी व्हाइल डूइंग आसनास वो आसनास में मेजर ऑफ मेनी एंगल मेजर करना है इसको मेजर भी लिखना है राइट एंगल का बोलती है राइट एंगल का मेजर क्या है 90 डिग्री हमको पता है लेस देन ये राइट एंगल वो भी मैं अज्यूम किया 30 डिग्री लिखी है मोर देन ये राइट एंगल वो भी अज्यूम किया 130 डिग्री 100 डिग्री ये मोर देन ये राइट एंगल लेस देन ये राइट एंगल इधर भी 100 डिग्री 60 डिग्री हो गई ठीक है एंड देन द डी गेम यू कैन प्ले द डी गेम विथ योर फ्रेंड्स एक डी गेम है तुम्हारा फ्रेंड्स का साथ खेलना है ठीक है यू ड्रा एन एंगल उधर एक एंगल ड्रा करना है एग्जाम्पल के लिए देखो एक एंगल में ड्रा किया ओके योर एंगल विल गेस द मेजर ऑफ दैट एंगल सॉरी योर फ्रेंड विल गेस दैट मेजर ऑफ दैट एंगल मतलब योर तू एक एंगल ड्रा करना है तुम्हारा फ्रेंड उसको गेस करना है मैं अभी पहले गेस किया ना ये कितना होगा 60 डिग्री होगा 30 डिग्री होगा मैं ऐसे गेस किया ऐसे तुम्हारा फ्रेंड गेस करना चाहिए तू एक एंगल ड्रा करना है तुम्हारा फ्रेंड उसको गेस करना है एंड देन यूज युअर डी टू मेजर इट डी में मेजर करना है इधर डी क्या बोल रहा है प्रोटेक्टर को डी बोल रहा है एक मिनट प्रोटेक्टर है ना प्रोटेक्टर हमको पता है डी शेप होता है इसके लिए इसका डी बोल रहा है डी शेप होता है ना अभी डी में तो एक्चुअल मेजरमेंट करना द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड एंगल एंड द गेस विल बी योर फ्रेंड स्कोर तो स्कोर कैसे ढूंढना है तुम्हारा फ्रेंड कॉल तुम्हारा फ्रेंड देख ही बोल गई ना वो गेस वो तो फिर तुम्हारा मेजर्ड एंगल दोनों में डिफरेंस तुम्हारा फ्रेंड स्कोर है द वन विद द लोएस्ट स्कोर विल बी द विनर इधर लोएस्ट स्कोर किसका आ गई वो विनर है हम सब में स्कोर आई आ गए वो विनर है नहीं इसमें लोएस्ट स्कोर आ गए वो विनर है अभी एक एग्जाम्पल में बोल रही हूँ एक डायग्राम ड्रा किया मैं ड्रा कर रहा हूँ ठीक है अभी मेरे फ्रेंड देखो मैं गेस करना है फर्स्ट मेरा फ्रेंड क्या बोल रहा है ये 60 डिग्री है इसे गेस कर रहा है इसके लिए मैं एक एक्यूट एंगल में ड्रा किया उसको मेरा फ्रेंड 60 डिग्री गेस किया मेजर करने का मैं मेजर कर रही हूँ अभी कितना हो रहा है हाँ ठीक है मेरे को अप्रॉक्सीमेटली 55 डिग्री आ रहा है ओके अभी 60 डिग्री माइनस 55 डिग्री क्या है 5 डिग्री मेरा फ्रेंड का स्कोर है इपा अभी वो एक डायग्राम बन रहा है ठीक है उसको 130 डिग्री मैं गेस कर रही हूँ एक्चुअल वो कितना है 105 डिग्री है मैसेज करने का बाद 105 डिग्री आ रहा है पा अभी मेरा फ्रेंड कैलकुलेट कर रहा है मेरे को गेस माइनस मेजर कितना हो रहा है 120 माइनस 105 क्या 15 डिग्री किसका लोएस्ट स्कोर वो विनर है सो मेरा फ्रेंड विनर है मेरा फ्रेंड जीत गए समझ गए ओके यू कैन फाइंड दिस डी इन योर ज्योमेट्री बॉक्स हमारा ज्योमेट्री बॉक्स में प्रोटेक्टर मिलता है मेजर द एंगल ऑन माय हेड फैन ऐसे रखी हम मेजर एंगल करना है ओके अभी देखो सेकेंड चैप्टर फिनिश ये सेकेंड चैप्टर में ज्यादा एक्टिविटी है मैं वर्कशीट भेजती है ठीक है दो वर्कशीट भेजती है उतना वर्कशीट है एंड देन पूरा एक्टिविटीज भी मैं किया एक बार रिवाइज करना फर्स्ट चैप्टर सेकेंड चैप्टर दोनों रिवाइज करना है वो टेस्ट में आने वाला है टेस्ट में एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन आ गए ओके एमसीक्यूज ये पूरा एक बार आप रिवाइज किया एमसीक्यूज इजीली आंसर कर सकता है ओके थैंक यू